कबीर सिंह ने मुद्दा पा के कामयाब करो। वसुंधरा राजे सिंधिया, राजे 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 राजे, वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, राजे 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 राजे, वसुंधरा राजे, राजे 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 राजे, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, वसुंधरा राजे जिंदाबाद, राजे 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 राजे, वसुंधरा राजे, राजे राजे वसुंधरा राजे, राजे राजे वसुंधरा राजे, राजे 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 वसुंधरा राजे, राजे राजे वसुंधरा राजे। हमारे बीच में राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समिति की पूर्व प्रधान श्रीमती मंजीत कौर जी से, मेरा निवेदन रहेगा श्रीमती मंजीत कौर पूर्व प्रधान कृपन, आप आए और वसुंधरा राजे जी को फुलकारी पहना कर उनका स्वागत कराएं। अतिथि देवो भव, जोरदार कंठ धमनी के साथ आप स्वागत कराएं। निवेदन है भी वो ओटनी बनाकर वसुंधरा राजे जी का स्वागत करेंगी। इसी कड़ी में मेरा निवेदन रहेगा गुरवीर सिंह ब्रार से, वो वसुंधरा राजे जी को शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट करेंगे। बैठो बैठो सारे बैठो, प्लीज बैठो। अपनी बच्ची को आशीर्वाद देंगे वसुंधरा जी।
महरूम को जो हमारी नेशनल शूटर है राइफल शूटर को भी आशीर्वाद में लेकर के वसुंधरा जी से आई। जो बोले धरती से आप बैठे हैं इस मटीली पिंड साधु शहर का रूप देने वाली राजस्थान के कोने कोने किसान मजदूर युवा महिलाओं की रक्षा करने वाली उन्होंने लोक लुभावनी योजना वाले करने वाली जनहित में राजस्थान को राजस्थान का नाम रोशन करने वाली विकास दूत महाराणी वसुंधरा राजे जी अपने विचार मौजूद है। जोरदार ताड़िया का स्वागत करते हैं, ताड़िया घट है जोरदार। आज सारी गेहूं की
आज सारा नरमा बर्बाद हो गया, एक पैसा कांग्रेस की सरकार ने नहीं दिया। हमारे ताप के टाइम में 2016 में ओलावृष्टि हुई, आपका हुक्म था 35 करोड़ रुपया किसानों के सीधे खाते में आया, तो वो आपकी कृपा से आया। आज इन पांच सालों में ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई है, नरमा खराब हुआ है, पर सरकार ने किसी किसान को एक पाई नहीं दी। हम आपसे मांग करते हैं कि सरकार बढ़ते ही अगली कणक की फसल है, हमारे गेहूं का 500 रुपया बोनस देके हमारी भरपाई कर दीजिएगा। 500 रुपया बोनस हर क्विंटल पे हमें चाहिए। गरीब आदमी को जो आपके टाइम पे 100 दिन नरेगा चलता था मैडम, आज गंगानगर में पूरे जिले में 25 से 30 दिन से ज्यादा नरेगा नहीं चला है। आपने शुभ शक्ति योजना चलाई, 55,000 उन गरीब बच्चियों का सहारा आप बनी, वो कांग्रेस ने बंद की। ये गरीब आपसे आस लगाए बैठे हैं कि आप दोबारा आएंगी तो दोबारा 55,000। यहाँ के लोग कैंसर से पीड़ित हैं, हमें बीकानेर जयपुर जाना पड़ता है। हमारी मांग है कि गंगानगर में अगर कैंसर हॉस्पिटल आप दे दें तो ये सारे लोग आपके ऋणी रहेंगे, लोग बहुत दुखी हैं। मेरी मांग है आपसे, मैं ऐसे नहीं मैडम जनता मानने की, मेरी मांग है, मैंने आपसे जब आप मुख्यमंत्री बनके 2014 में आई तो पूरे प्रशासन के साथ हमने एक बैठक ली और उन्होंने कहा कि सारी मांगे मांगो कि लिस्ट बनाओ, वसुंधरा जी से क्या मांगना है। उस लिस्ट में मैंने एक ऐड कर दिया कि लालगढ़ के अंदर जहाज उतारा जाए, हमारे यहां से फ्लाइट उतारी जाए। तो हमारे एक ऑफिसर ने क्या कि सरकार जी पागल हो गए क्या, जहाज उजनी मिलते मांगो वो जो मिल सकता है। और मैंने मैडम से जहाज मांगा तो मैडम ने लालगढ़ में जहाज उतार के दिखाया। और मैडम आज 5 सालों में जहां यहां से जहाज आपने जयपुर भेज दिया था, वो लालगढ़ से जहाज जयपुर दिल्ली जा रहा था, आज कांग्रेस वालों से 5 साल में लालगढ़ से गंगानगर साइकिल तक नहीं जाता। ये इनकी 5 साल की सरकार है। आपके राज में जो लोगों को करोड़ों रुपए आया, करोड़ों रुपए के विकास साधुशहर विधानसभा में हुए, पर मैडम मेरा इलाके के लोगों से भी और मैडम ने मुझे पूछा कि तेरी रिपोर्ट तो जीतने की थी, तू हार कैसे गया। मैं कहा हार ऐसे गया कि लालगढ़ में 34 करोड़ रुपया लगा, मैं 900 वोट कमाई। मिर्चे वाला गांव में 23 करोड़ रुपया आपने लगवाया, मैं 800 वोट कमाई। और बनवाड़ी में 18 करोड़ रुपया लगा, 500 वोट आई। कांग्रेस ने ऐसा चश्मा चढ़ाया किसानों को कर्ज माफी का। यहाँ के सोनलाल नाम के किसान ने रायसिंह नगर में सुसाइड नोट में ये लिख के मरे कि मेरे मौत के जिम्मेदार अशोक गहलोत और सचिन पायलट है, मैं इनकी वजह से खुदकुशी कर रहा हूँ। तो मैडम ये लोग आपके इंतजार में बैठे हैं, ये लोग 5 साल से पीड़ित हैं और ये लोग आपसे उम्मीद लगा करके बैठे हैं। ये सारी मांगे हमारी कोई पूरी करेगा तो जोरदार ताड़ियों से बताओ कि कौन करेगा। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान प्रदेश के लाखों दिलों पे राज करने वाले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय वसुंधरा राजे जी से मैं आग्रह करूंगा कि वो पधारे और अपने विचार रखे। आदरणीय वसुंधरा राजे जी, जिंदाबाद।
ऊपर क्या करें, जैसे बच्चे होते हैं ना वही, आप लोग जानते हो लेडीज जो भी बैठी हुई है, ये वही चीज है। और इसीलिए आज आप सबके बीच में आने का ये मेरे को इसके गुरबीर की वजह से एक मौका मिला, मुझे बड़ी खुशी है। पर मेरे साथ एक जोरदार नारा आप पहले लगाएंगे, बोलिए सोनिया, सबको मिला राम राम। और आप सबको जो यहाँ बैठे हुए हैं, सबसे पहले हमारी मदद के लिए पंजाब से पधारे हुए पूर्व मंत्री सुरजीत कुमार जी जानी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। खड़े हो जाओ सुरजीत जी, इनको करो। ये आए तो हमको संभालने के लिए। मैं इनको ये कहना चाह रही हूँ कि ये 10-15-20 दिन जो यहाँ रहे हो, उन्होंने आपको इतना अच्छी तरह से संभाला है कि जब आप वापस जाओगे पंजाब तो इनकी याद आएगी रोज रोज। तो प्यार से संभालना और जोर से नारायण जी का हाथ जोड़ के उनकी ताली बजाना ताकि उनको याद तो आ जाए। हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर सिंह जी भैया, इनका भी जोरदार, क्योंकि ये भी जाएंगे वापस आपको बुलेंगे। आराम करिए, आगे आइए, जोर से इनकी ताली बजाते हैं। हमारे सांसद मेरे भाई श्री निहाल जी मेघवाल, हमारे साथी आशीर्वाद भी दिए हुए हमको पूर्व मंत्री हमारे गुर्जर सिंह साहब, पूर्व मंत्री मेरे से बात मेरे साथी टीटी साहब, कमल सिंह साहब आज पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार जी सोनी, और हमारे सभी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी कार्यकर्ता और हमारा एक बहुत बड़ा विशाल परिवार, उन सबको प्यार से मैं प्रणाम आज करना चाहती हूँ। आपको इधर आओ, और हमारे ये गुरवीर सिंह जी, अब आप लोग यहाँ बहुत जिंदाबाद और बहुत नारे लगा रहे हो, तीन बार तो मैं मौके गई और मेरे को आप हमेशा यही काम करते हो, जोर जोर से नारा लगाते हो, बड़ा ऐसा लगता है कि कितनी मौज मस्ती हो रही है। मैं यहाँ से ये सोच के जाती हूँ कि अब तो हो ही गया, इस बार तो हो ही गया, परंतु तीसरी बार आ रही हूँ। अब तो ये सब आपने इतना प्यार दिया, इतनी अच्छी फुलकारी पहना दी, तो ऐसे खाली हाथ नहीं जाऊंगी भाई, इस बार तो मैं लेके जाऊंगी। और आप समझो कि इसकी कितनी हिम्मत है, मैंने दो बार तो हार गया और तीसरी बार मेरे को लिस्ट दे रहा है कि ये काम भी कर देना, वो काम भी कर देना, और आप लोग ताली बजा बजा के उसको कह रहे हैं बोलो 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 बोलो, ये सब बोलो भैया साहब, पहले तो इनको जिता के भेजो, फिर इनकी लिस्ट को मेरे सामने रखो ताकि फिर मैं एक एक करके उनकी लिस्ट को ठीक कर सकूं। झूठना नहीं है हमको, सुरजीत राज जीतेगा, ये तो बड़ी खुशी की बात है मेरे को। हर बार मैं आई हूँ तो गुरदीप राज जीतेगा, अब इस बार गुरदीप राज जीतेगा। पिछले बार कितने हजार वोटों से हारा था, 9,000 वोटों से हारा था, तो 51,000 वोट आपको तीन बार पेनल्टी लगा के 51,000 पे पहुंचाने का काम आपको करना है। ये हमारा परिवार है, इस परिवार के सामने मैं नतमस्तक हूं हमेशा, क्योंकि वाकई मैं आज अगर जिंदा हूं राजस्थान के अंदर तो आपके प्यार के ऊपर, आपके आशीर्वाद के ऊपर। मैं आज भी आप लोगों को कहना चाहती हूं कि जो कुछ भी मेरे को मिला है वो आप लोगों की वजह से मिला है, और मैं बार बार ऋणी हूं आपकी, आज भी कहती हूं मैं ऋणी हूं आपकी कि आप लोगों ने कभी भी उस प्यार को देने में कोई भी कोताही नहीं बरती, उसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहती हूं। आज भी आप लोगों ने गुरवीर इतना सुंदर सा फुलकारी मुझे उड़ाई,
मैं उसके लिए आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबकी ओर से हुआ है। आप सबको मालूम है कि ये चुनरी है, चुनरी हल्की होती है, हवा का बड़ा झोंका आता है तो उड़ भी सकती है, परंतु इसके अंदर आप लोगों ने जो अपना प्यार बांध के उड़ाया है वो इसको भारी बना देता है। ऐसी चुनरी जो चुनरी उड़ेगी नहीं, ऐसी चुनरी जिस चुनरी के अंदर आपने अपना प्यार बांध के रखा है, और ऐसी चुनरी जिसके ऊपर हम लोग सब आपके लिए कुर्बान होने को तैयार। यही सबसे बड़ी बात है किसी भी एक परिवार के अंदर। और मेरे परिवार के अंदर एक दो तीन नहीं, 36 के 36 कौम, अलग अलग समाज मेरे साथ हैं। कभी कभी मैं बार बार कहती हूँ सब लोगों को कि आप लोग चाहे ना चाहे नाभा की बहू तो आपको तो करना ही पड़ेगा, ये फुलकारे पहनाते रहना ही पड़ेगा, समझ गए ना। नाभा की बहू, जाटों की बहू और राजपूतों की बेटी और गुजरों की समधिन, और ये सब 36 के 36 कौम को आगे ले जाने के काम करने में पूरी तरह से साथ आप लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हैं। इसलिए आपका आशीर्वाद लिए बिना मैं तो यहाँ से जाने ही नहीं वाली हूँ, और इसीलिए मैं यहाँ आप लोगों के बीच में आई। देखो भाइयों, ये चुनाव का टाइम है और आप लोग सब जानते हैं कि चुनाव के टाइम में कोई लंबा भाषण करने किसी के पास आता नहीं, क्योंकि अलग 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 जगह पे जाने की जरूरत है, परंतु जो जरूरी बातें हैं वो आपके सामने रखना मुझे भी जरूरी है। एक तरफ है बीजेपी जो वादा करती है तो उस वादे पे खरी उतरती है, दूसरी तरफ है कांग्रेस जो लगातार वादे करने में कभी शर्माती ही नहीं है, वादे करती रहती है परंतु उसके दिमाग में उसके दिल में कभी ये बात नहीं उठी कि अपने को उस वादे के ऊपर खरा उतरने की जरूरत है। मैं जब छोटी थी और मैं राजमाता साहब के साथ पहली दफा दौरा करना शुरू किया तो उस समय मुझे याद है कि कुछ कांग्रेस वालों ने, हमारे ही मिलने वाले थे जो कांग्रेस में जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे ये कहा कि भाई साहब आप क्यों चिंता करते हो, जनता बैठी हुई होती है, अगर उसको जो चाहे आप वादा कर दो, बाद में क्या होता है वो देखा जाएगा। हमने सबको कह रखा है कि हमारे क्षेत्र के अंदर और हमारे इस परिवार के अंदर हम किसी को झूठा वादा नहीं करेंगे, जिस वादे को पूरा कर सकते हैं उस वादे को तो आप लोगों को कहना, ताकि हम उसको उनके सामने उतार सके, नहीं तो उनको वादा मत देना, इतना ही कहना कि हम कोशिश करते हैं। मैं बताती हूँ आपको, जब मैं खुद मुख्यमंत्री बनने के बाद दौरा करने लगी तो एक दिन मैं कहीं से निकल रही थी तो वहां लोग बैठे एक दूसरे से जूझ रहे थे, वो कह रहा था कि बोलो ना उनको, बोलो बोलो, अरे तुम बोलोगे तो वो कब कर देगी, वो कहता है कि नहीं वो तुम नहीं कहेगी, क्योंकि उसको जब तक तुम कहते नहीं हो कि वादा करो तब तक वो नहीं करेगी। अब मुझे मालूम था कि वो किस चीज के ऊपर लड़ रहे थे, उस समय होने वाला नहीं था। मैंने हमेशा उनको ये कहा कि तुम्हारे कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, परंतु मैं पूरा नहीं कह सकती हूँ कि मैं करूंगी, और लड़ाई इस बात की थी कि आप वादा करो, क्योंकि उनको मालूम था कि वादा करेगी तो इसको पूरा करने का काम वो करेगी, इतना विश्वास। और मैं मान रही हूं कि इसी विश्वास के ऊपर हम लोग जिंदा हैं। हम कभी नहीं चाहते, भारतीय जनता पार्टी के एक भी लोग जो यहां बैठे हैं कभी नहीं चाहते कि इस विश्वास को किसी भी तरीके से तोड़े। हमने वादा किया कि हम आपको बिजली देंगे, हमने वादा किया वो 6 घंटे किसानों को, 22 घंटे महिलाओं को, तो उन 5 सालों के अंदर हमने उस वादा को पूरा करने का काम किया। इन्होंने वादा किया कि 24 घंटे हम आपको बिजली देंगे, और मुझे मालूम है कि एक एक दिन के 18-18 बार बिजली जाती है, और जिस तरीके से बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। कहते हैं कि 100 यूनिट आपको देंगे, फ्री देंगे, पर जिस क्षेत्र के अंदर बिजली नहीं आती है वहां फ्री यूनिट कहां से बिजली मिल सकती है, बताओ, मजाक बना के रखा है लोगों। बेरोजगारी चिंता मत करो, हम तो नौकरी दिलवा देंगे आपको, जानकर ने किया है, 19 बार पेपर लीक हो चुके हैं, कितने लोगों को कितने बेरोजगार लोगों को उन्होंने रोजगार दिया है वो आप और हम उंगली पे गिन सकेंगे। खाली कागज देख लीजिए, मैंने कागज देखे हैं, उन कागज के अंदर जब ये इनके अपने अकाउंट लिखते हैं 1,37,000 या कुछ ऐसे लोगों को, बेरोजगारों को नौकरी देने का काम किया है, उसमें से 1,20,000 तो ऐसे थे जिनका काम हम कर चुके थे, जिनका सील खाली इनको लगाने की जरूरत थी, क्योंकि उनने जो भी परीक्षाएं की हैं उस परीक्षा के अंदर पेपर लीक हुआ है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति को अभी तक वो भर्ती सही तरीके से नहीं कर पाए।
19 बार किसी प्रदेश के अंदर लीक होना कोई मायने रखता है भाइयों? कैसी सरकार है जिस बार को बेरोजगारों को नौकरी कहां से दे सकेगा? एक तरफ तो ये, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसके अंदर हमने सरकारी और गैर सरकारी 15 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया, उन बेरोजगारों को रोजगार देने का काम हमने किया, और यह विश्वास के साथ हमने करने का काम किया। आपके क्षेत्र के अंदर हम लोगों ने कितने तो मोगे ठीक किए, कितने तो खालों को कवर किया, कितने तो कनाल की लाइनिंग को रिपेयरिंग का काम किया, कितने तो पानी आपके यहाँ जो नहीं आ रहा था वो ठीक करके आपके टेल तक पहुंचाने का काम हमने किया। मैं ऊपर से जब हेलीकॉप्टर से आ रही थी, जब भी मैं आपकी डिग्गियों को देखती हूँ तो मेरा दिल भर जाता है, भरे हुए लहलाते डबड़वाते हुए आपका जो ये डिग्गी दिखता है तो लगता है कि हर एक आदमी के खेत में जो डिग्गी बन गया है उसको पानी की प्रॉब्लम कुछ दिनों के लिए एटलीस्ट नहीं होती। इसी तरीके से आपकी खालों के ऊपर कवरिंग करने का काम, खेतों के अंदर खालों को ले जाने का काम, ये हमने नहीं है, आप लोगों ने जो बताया उसको जमीन पे लाने का काम हम लोगों ने किया है। और मैं आपको यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि दिल्ली से जयपुर से आपको हम किसी भी तरीके से नहीं बताएंगे कि ये काम होना है, आप हमको बताएंगे कि ये काम हमारा अच्छे के लिए है तो वो काम हम करके आप लोगों को देंगे। कुछ काम आपके ऐसे भी हैं जो जिसके ऊपर मेरे को चिंता थी, बाकड़ा और गंग कनाल सिंचाई प्रणाली में पूरा पानी नहीं मिलने से आपके पैदावार के ऊपर असर पड़ा, बिजाई और बकाई का काम ये प्रभावित हुआ, और सिंचाई का वो जो पर्याप्त पानी नहीं मिला, और खाद और बीज क्योंकि घटिया सप्लाई थी उसकी वजह से आपके नरमे की फसल में जो रोग हो गया उसकी वजह से अच्छी फसल लग रहा था कि यह बहुत अच्छी फसल होगी, वो अच्छी फसल 90% खराब हो गई। इसके बारे में इसने अभी कहा, नॉर्मली हमारी सरकार अगर होती तो हमारी सरकार आप लोगों के बीच में अभी तक आ जाती, इसके बारे में पता करने की कोशिश करती और तुरंत ही उसके मुआवजे का इंतजाम भी कर देती, परंतु ये सरकार अपनी नहीं है। और मैंने इसको ये कहा, तुम बड़ा लिस्ट बना रहे हो, इतने लिस्ट बना के अपने पास अभी रख लेना, पहले जीत के तो आ जाओ मेरे पास, उसके बाद फिर अपन बात करेंगे कि आज तुम्हारे क्या काम होते होने। तीन आपके बड़े फीडर हैं, दो का तो काम अपन ने कर लिया, अब तीसरा आपका फिरोजपुर फीडर के लिए आता है मेरे पास कि भैया 200-300 करोड़ रुपए पास, बस खाली 200-300 करोड़ रुपए अगर आप दे हुए तो ये भी काम अपना हो जाएगा। मैंने कहा मैं क्या दूंगी, अभी तो सरकार बनाओ, सरकार बनाने के लिए तुम जीत के तो आ जाओ, फिर मेरे से बात करना कि समय पे फसल की आप खरीद करोगे। और हाँ, ये मैं मानती हूं कि अपने को जरूर करने की जरूरत है, हम लोगों ने पहले पंजाब से बात की थी, आपको याद होगा पानी गंदा आता था, लोगों को बीमारी होने लगी, लगातार कैंसर होने लगा, बहुत सारे लोग पीड़ित हो गए, ट्रेन्स का नाम कैंसर ट्रेन्स से लोग जाने जाते थे। और यस, एक मैं समझती हूँ कि यहाँ कैंसर हॉस्पिटल होना चाहिए क्योंकि आपको दूर जाने की जरूरत क्या है, ये यहाँ के लोगों की यहाँ से लेके बीकानेर तक ये पूरे इलाके के अंदर लोग जो पीड़ित होते हैं उनको बहुत दूर तक जाना भी पड़ता है स्पेशलिस्ट केयर के लिए, और वो स्पेशलिस्ट केयर के लिए अपने को उसके बारे में सोचने की जरूरत है, वो जरूर अपन कुछ न कुछ करके काम करवाएंगे। मैंने पैसे लगवाए, मैंने इसको प्रॉमिस किया था कि भाई हम प्लेन वहां उतारेंगे, प्लेन हम लोग तो अपन ने वो ठीक किया, वहां प्लेन लैंड होके वहां सब जाने लगा, वहां एक्सीडेंट भी हुआ, तो अपने को इसके बारे में सोचना है, तुम बन के आ जाओ फिर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं हो जाएगी ना, ये सब चीजों को हम आगे ले जा सकेंगे ये हो। अच्छा, एक चीज से मेरे को चिंता है, ये जो आप लोगों के सब्सटेंसेस आने लगे हैं पूरे इलाके के अंदर फैल रहे हैं, हाँ इसके बारे में मेरे को चिंता है, और मुझे लगता है कि सब परिवार के लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं सब चिंता करते हैं कि कहाँ कहाँ तक ये बीमारी फैल गई है। भाइयों, कोई भी आगे नहीं बढ़ सकेगा अगर ये बीमारी अपने क्षेत्र के अंदर अपने परिवारों के अंदर घुस जाएगी, अपने को इसको किसी भी तरीके से रोकने की जरूरत है, और हम लोगों को जो मदद आप चाहते हो हम लोगों से उसके लिए वो हम करने को भी तैयार है, इसीलिए प्लीज उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत करें। और जो चीजें हैं जैसे नरेगा को पूरा रोजगार वगैरह, ये तो
टाइट करने की बात है, सरकार आपकी आती है तो ये सब ठीक हो जाएगा, आपको चिंता करने की क्या जरूरत है। फिर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ गुरबीर, 30 करोड़ की तुम तो थे भी नहीं, उसके बावजूद भी काम हुए, एमएलए नहीं थे ना? नहीं नहीं अभी बात कर रहे, हाँ तुम नहीं थे पिछले बार, फिर भी काम तो हुए ना। तो बीजेपी ऐसा नहीं करती जो कांग्रेस करती है, कि कांग्रेस का इलाका जब कांग्रेस जीत के आती है तो अगर कांग्रेस का एमएलए जीता हुआ है तो चलो भाई कांग्रेस का काम करेंगे, परंतु अगर बीजेपी का आदमी है तो एक पैसा वहां देंगे नहीं। हम लोगों का यह है कि चुनाव तक तो ठीक है, उसके बाद बहुत सारे लोग हैं, शायद गुरबीर 13,000 से हारा होगा, परंतु ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने गुरबीर को वोट भी दिए, उनके बारे में अपने कुछ सोचने की जरूरत है और उनको हम अनदेखा नहीं कर सकते। इसलिए पिछले बार भी जब भी ये कहते थे उनको काम कराने की हम लोगों ने कोशिश करवाई, चाहे वो 132 केवी के जीएसएस था, चाहे आपके दौलतपुरा चक 7A जोधेवाला खराचक एवं रिको में 33 केवी के 5 जीएसएस थे, आप लोगों ने कहा तो वो ये हुए, 42 करोड़ के 54 मुख्य जल योजनाओं का जीर्णोद्धार किया, ये आप लोगों के कहने पे वितरकाएं जो हैं उनको ठीक किया, पुल निर्माण किया और गंग नहर के ऊपर रेगुलेटर का निर्माण भी कर रहा जब आप लोगों ने कहा, 52 करोड़ की बागड़ा सिंचाई प्रणाली के अंदर कच्ची नहरों की लाइनिंग का काम हम लोगों ने करके आपको दिया, और 7 करोड़ की साधु छह नगर पालिका में आपको फायर ब्रिगेड का काम किया, 15 करोड़ की सड़क निर्माण हुई, लालगढ़ जटान में सीसी सड़क का निर्माण किया जो आज भी आपको देखने को मिल रहा है, 11 करोड़ की लागत से मिर्जे वाली केसी सिंहपुर सड़क, साधु शेर गंगानगर सड़क 47 करोड़, 50 करोड़ ऑलमोस्ट, और साधु वाली गंगानगर मिर्जे वाली सड़क का निर्माण, ये सब इतने सारे आपके काम किए, और आपके हरेक ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर हम लोगों ने गौरव पथ को का इंतजाम किया, किया कि नहीं किया बताओ, मैं एक एक को किया, और उसके साथ साथ हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर के ऊपर 0 से लेकर 12 तक की स्कूल, जिस स्कूल के अंदर फुल टीचर्स, जिस स्कूल के अंदर टोटल कंप्यूटर्स, और वो कभी भी आपको टीचर्स की कमी उनमें नहीं हुई। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने सरकार अपने हाथ में ली थी तो शिक्षा 26वें पद पे पूरे देश के अंदर 26वें पद पे था, और जब हम लोगों ने सरकार छोड़ी तो 2 नंबर के ऊपर पूरे देश के अंदर शिक्षा में राजस्थान आ गया। भाइयों, बिजली विभाग के कंपनीज के ऊपर जो 65-70 हजार का कर्जा था, उस कर्जे को हम लोगों ने खत्म कर दिया था, 10,000-15,000 करोड़ थे बाकी, अगर सरकार हमको एक बार और मिल जाती तो वो कर्जा भी हट जाता। आप लोग सब किसान हैं, आप लोग अच्छी तरह से बिजली को समझते हैं, अगर हम लोगों ने खत्म कर दिया होता तो आपकी बिजली 3.5-3.5 रुपए की आपको मिलती, कर्जा ही नहीं होता तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। आज वो कर्जा फिर 95,000 करोड़ पे पहुंच गया है, तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय के अंदर बिजली की कितनी किल्लत होने वाली। जिस तरीके से इस सरकार ने जिस तरीके से आके बिना किसी के बारे में सोचे अपने जेब को भरा है, अपने घरों को बनाया है, अपने विधायकों को मजबूत करने का काम किया है, हमारे कभी भी किसी भी विधायक ने या जो जिसने लड़ा है विधायक के कुर्सी के लिए जो लड़ा है, उसने कभी भी किसी भी गरीब के जेब को नहीं काटा है, कभी भी किसी के गरीब के जेब में अपना हाथ नहीं डाला है, हमेशा मदद करने की कोशिश की है। और मैं आज आपको कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की जरूरत है भाई, आप मेहरबानी करके ऐसे लोगों को आगे करो जो आपकी आवाज को जयपुर तक पहुंचाए, ऐसे लोगों को आगे आगे करो जो आपके लिए लड़ सके, आपके लिए आवाज उठा सके और आपके काम को जमीन पर लाकर कर सके। मैं विश्वास करती हूँ कि ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो आपके लिए दौड़ेगा, भागेगा, काम करेगा, कमी नहीं छोड़ेगा। तो जब आपको सबको मालूम है इस बात की, तो फिर काहे बात की देरी है सर। मैं पीले चावल लेके आई हूँ गुरबीर, मैं पीले चावल तुम्हारे पास छोड़ के जा रही हूँ, ये पीले चावल जाके सबको बांट आना, वरना अब तीसरे बार पीले चावल बांटने आने का क्या है सर? अब ये एक बार आ रहा है सिर्फ।
दूसरा था, चलो ठीक है भैया आप लोग कर दो ठीक है, इस मेहरबानी करके मेरा ये काम कंप्लीट कर दो, इसको भेज दो, प्यार से वहां जिता के भेज दो। पांचवें साल में एक बार ये उत्सव आता है, पांचवें साल में एक बार 11 बजे के पहले पहले थोड़ा सा उठ के जाके अपना वोट डाल के अगर आप लोग वापस आ जाते हो तो मैं समझती हूँ कि इससे बड़ा कोई काम नहीं होगा। और इसी विश्वास के साथ आज आपके सामने इनको मैंने खड़ा तो किया है, हमारी पार्टी ये सोचकर खड़ी करे इनको कि ये तो जीत के तो आने ही आने हैं, आपका आशीर्वाद इस तरीके से मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि कोई कमी नहीं होगी। परंतु मैं ये जिम्मेदारी मैं खुद लेती नहीं, क्योंकि आप लोग कह दोगे आपको जिम्मेदारी दे दी, मैं ये जिम्मेदारी आप लोग सबको दे रही हूं, ये जिम्मेदारी लेने को तैयार हो तो बताओ, बताओ लेने को तैयार हो क्या? अगर लेने को तैयार हो तो फिर मैं माला डालू, मैं चुट्टी डालू, डाल दिया ना, अब आप उनको संभालोगे, ध्यान रखना पाकिस्तान को जाने वाले पानी को जिस पार्टी ने रोका और जिस कांग्रेस ने उसको फिर से जाने दिया और जिस पाकिस्तान ने पीपी के फिर हमारे देश को और हमारे क्षेत्र को गाली दी, ऐसे सरकार कांग्रेस की सरकार को फिर से तो वापस आप आने नहीं दोगे ना, नहीं दोगे ना, जोर से बताओ इतने थके तो नहीं हो, नहीं दोगे ना। मेरे साथ एक जोरदार नारा, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। याद रखो वही हमारे नेता, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने किसान सम्मान निधि के अंदर जहां आपको 6,000 रुपए मिला करते थे 500-500 रुपए प्रति माह, अब आपको 1,000 रुपए पहले हर महीने मिलेगा, समझो 12,000 रुपए पर किसान, जो गरीब किसान है उसको इतना बड़ा काम मिलेगा। और जो गेहूं की उपज को, जिसमें किसानों के उत्थान के लिए गेहूं की उपज को पैसा मिलता था वो 2,700 रुपए तक बढ़ाने का काम अब मोदी जी ने कर दिया है। और हमारी सरकार आती है तो हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, हमारे आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता, इन सब के जो तनख्वाह है वो बढ़ेंगे, उसको ध्यान रखने की जरूरत है। और जो हमारी बच्ची पैदा होती है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी उसकी होती है, पहले मैं आप लोगों को 50,000 रुपए देती थी, परंतु अब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो वो सरकार पैदा होते ही 2,00,000 का बॉन्ड देगी, जिसको 30 साल में शादी करने के कारण पे रिन्यूअल कर सके। ये तो कुछ ही चीज है भाइयों, अभी तो मजा आएगा, अभी तो बहुत सारा मजा आएगा। और ये बातें वो है जो जमीन पे आएंगे, इसलिए भारत माता की, भारत माता की, एक दफा राजस्थान के लिए जय जय राजस्थान, ये तो मेरे को बार बार कह रहे हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब 51,000 वोट ये प्रॉब्लम हो सकती है, 51,000 वोट तक आपको पहुंचाने का काम जरूर करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपको मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने इस फुलकारी की ओढ़नी जो ये चुनरी पहनाई है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जो बोले सोनिया सबको प्यार। अच्छा एक चीज और मैं कहना चाहूंगी आप लोगों को कि कांग्रेस से जहां जहां गए हैं हम वहां बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर अपनी पार्टी से ज्वाइन किया है। मुझे विश्वास है कि यहां भी ऐसे कुछ होंगे जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो जहां बैठे हैं देखो 40 साल पुरानी कांग्रेस में रहने के बाद छोड़ के आए हैं। महावीर जी आपको धन्यवाद, आपके साथ साथ भी बहुत अकेले तो आए नहीं होंगे। सारण जी,
सब लोग जो लोग आए हैं यहाँ और जिन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है उनका स्वागत है और मुझे विश्वास है कि आप मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को आगे लाने का आप लोग काम करोगे। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद। और ये जीत के आएगा तो उत्सव मनाने को ये भूलेंगे नहीं मुझे। वसुंधरा राजे जी को शक्ति का प्रतीक तलवार भेंट करेंगे। इससे पहले भूपेंद्र सिंह जी अपना संबोधन देंगे। मैं बोलूंगा नाम बोलेंगे उसके बाद मैं बहुत धन्यवाद दूं भारतीय जनता पार्टी। अरे जोर नहीं लाया तुम्हें, इतने दूर चल गए हो। भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे आदरणीय इलाके तो जो लोग आए है ये विधानसभा दो तहसीलों में पैंदी है जेड़ी सादू शहर और दूजा गंगा नगर। मेरे दोस्त उथों जिथों चल के आए है मैं उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद करता। मैं इन्हों का आसान नहीं दे सकता। इन्होंने मैनु जदों भी मैनू इन्होंने सारे परिवार न्यवहार से इन्नी कृपा रखी है जिड़ा एदा रखना मैं थोनू नहीं चुका सकता। इन्ना ही कहना मैं थोनू बधाई दिना भारतीय जनता पार्टी। राजपाल सिंह जी आपसे निराजन आप शोभा भेंट करें। वसुंधरा राजे जी सम्मान में कहना चाहूंगा हम चले तो आंधिया तूफान, हम चले तो आंधिया तूफान खुद ही चल पड़ेंगे। सागरों की बात ही क्या है हम गरीब ही ढल पड़ेंगे। जे ना समझो जे निशाए पंत हमारा रोक लेंगी हम नहीं 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 नह